तो दोस्तों ये मेरे पास जियो F220 बी ब्लैक है, जिसका मॉडल आप लोगों को हम दिखा दें। बहुत ही हल्के से दिख रहा है ये, जहाँ पास नाखून है आप लोग देख सकते हैं ये। तो ये मतलब एकदम देख लीजिए, बिल्कुल बहुत बेकार ही इसकी कंडीशन लग रही है। तो इसको आज हम नया बनाएंगे, और नया बनाने के लिए हमको ज़रूरत चाहिए डमी की। ये डमी है, और इसमें जो बैटरी कनेक्टर है वो भी टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसमें दो पिन है और तीसरी वाली पिन भी नहीं है, और इसकी जो चार्जिंग कनेक्टर है, इसका जो चार्जिंग कनेक्टर वो भी बेकार है। एयरफोन जिसमें लगती है वो भी बेकार है, यानी ये बहुत ही बेकार तरीके से बेकार हो गया है। तो इसको हम ना नया करके दिखाएंगे, और एकदम चला करके भी आप लोगों को दिखाएंगे कि पुराना फ़ोन को नया कैसे बनाएं। तो बस अब हम इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो पैंच होते हैं, ये जो भी पैंच हैं वो मैंने खोल लिए। अब बारी एक एक टूटा हुआ जो इसकी कैबिनेट है उसको अलग करना। ये आप लोग देख सकते हैं, इसकी कंडीशन भी देख लीजिए। ये इसमें बस इसमें सिम पड़ा हुआ है और डिस्प्ले सही है। इसका जो मतलब मदरबोर्ड है वो पूरा चालू है, बाकी की कंडीशन जो बहुत बेकार लग रही है। तो इसको ना अब हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में और इसका जो बैटरी कनेक्टर है और चार्जिंग कनेक्टर है वो भी हम चेंज करके दिखा देंगे, और कैसा चेंज करेंगे, इसकी ये जो माइक है वो बेकार ना होने पाए वो भी आप लोगों को हम दिखा देंगे। और सबसे पहले इसको ना हम वॉश कर लेते हैं, यानी इसको सफाया कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट जो बहुत धूल जमी पड़ी है। तो इसको हम पेट्रोल और थिनर की मदद से इसको ना हम साफ कर लेंगे। तो इसको मैंने वॉश कर लिया, कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कुछ अच्छी क्वालिटी में दिखने लगा है। तो इसका जो ये बैटरी वाला पत्ता लगा हुआ है, अरे सॉरी बटन की जो पट्टा लगा हुआ है, इसको हम अब अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ये SMD की मशीन से जल जाएगा। जब SMD मशीन इसमें लगाएंगे तो ये जल जाएगा, तो इसको हम मतलब अलग कर देते हैं। और इसका जो बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर को भी हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर मैंने दोनों निकाल लिया। अब इसको लगाने से पहले आप लोग जब भी लगाएं तो इसको ना सोल्डिंग कर दें, दोनों कनेक्टर को सोल्डिंग जब कर देंगे तो अच्छे से ये इसमें सेट हो पाएगा, जो मदरबोर्ड है इसमें अच्छे से सेट। आप लोग कोई किसी भी मोबाइल का जब चार्जिंग कनेक्टर लगाएं तो जो चार्जिंग कनेक्टर की पिन 5 पिन होती हैं, ये वाली 5 पिन होती हैं, इसको ना आप लोग सोल्ड कर दें। तो हम भी इसको सोल्ड कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे सोल्ड कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी सोल्ड कर दें, जब भी कोई चार्जिंग कनेक्टर या बैटरी कनेक्टर को लगाएं तो सोल्ड ज़रूर कर दें, क्योंकि सोल्ड आप लोग कर देंगे तो अच्छे से जो मदरबोर्ड होता है उसमें ये सब सेट हो जाते हैं। तो ये मैंने सोल्ड कर दिया, देख लीजिए। इसको ना अब हम SMD की मशीन से, तो आप लोग जब भी चार्जिंग कनेक्टर को लगाना तो SMD मशीन की मदद से, तो आप लोगों को हम ये बता दें इसका जो ये सेक्शन है और उसकी ये जो पत्ती है उसको निकाल लेना। तो उसको निकाल लेने के बाद में अभी आपको बताएंगे कि किस तरीके से मतलब कैसे रखना कि ये जो माइक है वो बेकार ना होने पाए। तो इसको ना हम इस तरीके से ढक लेंगे, इस तरीके से, ये दे आप लोग देख सकते हैं, और ऐसे हम देख लीजिए ये नीचे पत्ती रखी हुई, और इसको ना पत्ती के ऊपर ही रखेंगे माइक को, और
ऊपर से कुछ वजन रख देंगे क्योंकि ऊपर ना होने पाए। तो सबसे पहले ये हम इसका चार्जिंग कनेक्टर ही निकालेंगे। ये हमारी SMD मशीन हो गई, तो बस अभी निकल जाएगा। आप लोगों को हम निकाल के ये दिखाएंगे और लगा करके भी दिखा देंगे कि इसकी जो माइक है वो बेकार नहीं हुई है। इसको थोड़ा गर्म हो जाने देते हैं, यानी हीट हो जाने देते हैं। तो ये हीट हो गया, अब ये देख सकते हैं ये चार्जिंग कनेक्टर जो है बहुत आसानी से निकल गया है। अब इसको ना हम हल्का क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें डस्ट और बहुत सारी जमी हुई है डस्ट। तो जैसे हम इसको ना क्लीन कर रहे हैं, ये चाकू है, चाकू की मदद से हम इसको क्लीन करें, उसी तरीके से आप लोग भी क्लीन कर लें क्योंकि ये अच्छे से जो सेट हो पाए और कुछ दिन ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए। तो अब हम क्लीन कर चुके हैं और उसके बाद में इसको ना हम सोल्ड करेंगे। तो ये देख सकते हैं भैया की मदद से इसको हम सोल्ड भी कर रहे हैं और इसमें हल्का पेस्ट भी लगा लेंगे। तो ये रही पेस्ट, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एकदम बहुत ही अच्छे से, जैसे आप रिबोलिंग वाला होता है उसी तरीके से ये सब हो गया। तो इसको अब हम इसमें ना चार्जिंग कनेक्टर सेट करेंगे और इसकी लाइफ टाइम कुछ बढ़ गई क्योंकि इसको हम क्लीन भी कर दिए थे तभी के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं ये दे लग गया। अब जो बारी है वो बैटरी कनेक्टर की है। तो बैटरी कनेक्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, पत्ती उधर नीचे गिर गई। तो बैटरी कनेक्टर में भी उसी तरीके से जैसे चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करे थे उसी तरीके से बैटरी कनेक्टर को SMD तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो इसको ना नीचे से ही हीट देंगे क्योंकि ऊपर IC लगी हुई हैं, तो ये IC उखड़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। मतलब SMD मशीन जो एयर भी और हीट भी दोनों एक साथ में निकालती है। तो ये देख सकते हैं ये जो बैटरी कनेक्टर है उसको भी चेंज यानी रिमूव कर दिया। अब इसमें हम नया बैटरी कनेक्टर लगाएंगे। तो नया बैटरी कनेक्टर लगाने से पहले जैसे आप लोगों को बताए थे कि सोल्ड कर लें या इस पर जो हल्का रंगा है वो रख दें। तो देख सकते हैं ये हम रंगा भी इस पर लगाए दे रहे हैं क्योंकि ये इसकी वैलिडिटी जो है कुछ बढ़ जाए, जल्दी ये बेकार ना होने पाए। ये देख सकते हैं ये। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि कोई वीडियो मतलब कटिंग नहीं है और ज़्यादा प्रोफेशनल तो वीडियो बन नहीं पाई है, लेकिन जो भी बनी है एकदम रियल के हिसाब से बनी है, ज़्यादा प्रोफेशनल भाई नहीं बन पाई है, बस एकदम रियल वीडियो बनी है कि जैसे आप लोग चेंज करेंगे किस तरीके से चेंज करेंगे तो सब एकदम बिल्कुल वही रियल है। तो ये पत्ते नीचे गिरी गई थी तो उसी को हम उठा रहे थे। तो अब देख सकते हैं ये पूरा दोनों चीज़ इसमें पार्ट दोनों जो बेकार थे वो न्यू लग गए हैं। तो अब हम इसमें ये कूल हो रहा था, अब इसका जो क्या बोलते हैं की वाला जो होता है पत्ता, बटन वाला पत्ता जो होता है उसको इसमें लगाएंगे। तो ये रहा पत्ता, इसको हम लगाएंगे। लगाने से पहले एक बार इसको क्लीन भी कर लेंगे, देखेंगे ये क्लीन है कि नहीं है, साफ़ है कि नहीं, क्योंकि ये इसमें इसी से जो जितनी सारी बटन होती हैं
वही चलती हैं। क्लीन तो था, आप लोग जब भी लगाएं तो ये सब देख लें। ओ मैंने तो देख लिया, ये कंप्लीट हो गया, लग गया। अब इसकी जो ये आप लोगों को निकाल के हम दिखाए थे वो भी लगा देंगे। तो ये भी मैंने भी लगा दिया, ये देख। अब इसका आन खोल के देखेंगे कि आन खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। आन खोलने से पहले ये जो ओल्ड वाले चार्जिंग कनेक्टर और बैटरी कनेक्टर है उसको हम निकाले हुए थे। तो आन देखने से पहले ये जो मल्टीमीटर को बजर रिंग पर रखेंगे और जो इसकी रीडिंग चेक करेंगे बैटरी की। तो रीडिंग देख सकते हैं, ये रीडिंग भी आ रही है। अब हम इसका आन देखेंगे, एक आन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देख लीजिए ये ऑन हो गया, ये लावा कंपनी की बैटरी है उसी से ये ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा। अब हम ये जो कैबिनेट है, ये कैबिनेट इसमें पूरी सेट करेंगे। तो कैबिनेट को सेट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें, जब भी आप लोग कैबिनेट चेंज करें, डमी को चेंज करें, तो जो बैटरी का ये सेक्शन होता है, अरे सॉरी नेटवर्किंग का जो एरिया होता है ये वाला, तो इसमें एक बहुत हल्की पत्ती मॉडल लगी हुई होती, उसको ज़रूर आप लोग छुड़ा लें और जो नई वाली है उसमें ज़रूर चिपका, पुरानी वाली से छुड़ा करके नई वाली में चिपका दें। तो इसमें ना इसको हम छुड़ा लेते हैं, ये इस तरीके से छुड़ाना। तो ये हम छुड़ा लेते हैं तब तक के लिए। तो इसमें से मैंने ये छुड़ा लिया, अब ये जो नई वाली कैबिनेट, इसमें हम इसको चिपका देंगे, सेट कर देंगे। सेट कैसे करना वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो ये शीशा, इसमें ये जो डमी थी उसका जो शीशा था वो अलग पड़ा हुआ, मतलब अलग लग कर आता, अब इसमें मैंने चिपका दिया। तो दोस्तों नेटवर्क पत्ती चिपकाने से पहले ग्लू को लगा लें, क्योंकि अच्छे से ये चिपक जाए। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास ग्लू है। अभी मार्केट में जहाँ से जो डमी वमी परचेज करके लाते हैं वहीं से मिल जाता है, मार्केट में लगभग 70-80 रुपये का आता है मार्केट में। तो उसको लगा लेना, इस ग्लू को लगा लेना, एक बहुत ही ये अच्छे तरीके से मतलब चिपक पाएगा। तो इसमें ज़्यादा बॉल करने की ज़रूरत नहीं, ये ज़्यादा मतलब उखड़ेगा नहीं। ये लग गया और फिर नेटवर्किंग दिक्कत करने लगा, अपने आप उखड़ गया, तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये जो अंदर का साइज है उसको पहले से चिपका लेंगे। तो ये मैंने चिपका लिया, अब इसको इस तरीके से बाकी भी सब चिपका लेंगे। मेन यही होता है नेटवर्किंग में, फिर अगर इसको नहीं चिपकाओगे तो नेटवर्किंग दिक्कत करने लगेगी। बस ये लग गया, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसका ये कैमरा ग्लास है, उसी डमी में आया हुआ, तो कैमरा ग्लास भी हम लगा देते हैं। ये रहा कैमरा ग्लास, इसको लगा दिए, बाकी ये है। उसको सेट करने से पहले ये जो स्पीकर होता है इसको भी हम लगा लेते हैं, और बाद में ये इसको हल्का क्लीन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्पीकर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने क्लीन भी कर लिया है, अब बारी आती है इसको सेट करने की। तो आप लोग ध्यान रखें, सेट करने से पहले ये जो लोकल वाला जो बटन होती है इसको यहाँ से हल्का कट कर देंगे, क्योंकि इसमें माइक बैठने की मतलब जगह नहीं, स्पेस नहीं है। तो इसको इस तरीके से कट कर देंगे कि जो माइक है वो इसमें सेट हो जाए। तो ये हम कट कर दिए, अब जो माइक है वो सेट हो जाएगी।
याद है, अभी आप लोगों को हम दिखा भी देंगे क्योंकि पूरा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एकदम बहुत पुराना ही मोबाइल था वो, तो आप लोग देख ही चुके थे, और इसको हम अब एकदम न्यू बना दिए। याद है, अब इसमें हम सिम डाल देंगे क्योंकि नेटवर्क भी देखना ज़रूरी है, तो इसमें हम सिम लगा दिए। अब इसमें जो पैंच है वो बाद में लगाएंगे, अब इसको पहले हम इसका ऑन खोल के देख लेते हैं कि ऑन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये ऑन हो गया। अब इसमें हम पैंच, जितने भी पैंच होते हैं, 6 पैंच होते हैं, तो 6 अगर आप लोगों के पास हों तो 6 लगा दें, नहीं है तो 1, 2 ही 3 में लगा दें, तब भी काम चलता रहेगा। तो मेरे पास 2 ही 4 पैंच हैं लगाने को, तो हम लगाए दे रहे हैं, ऑन देख लीजिए। तो दोस्तों ये पूरा ऑन खुल चुका है, नीचे देख सकते हैं आप लोग, और ये वही है, पूरा ऑन खुल गया। अब इसकी जो चार्जिंग है वो भी हम चेक करके आप लोगों को दिखा देंगे। तो ये चार्जिंग भी शो कर रहा है, देख लीजिए। और ये अब जो इसका पीछे का बैक पैनल, बैक डक वो भी हम लगा दिए, देख लीजिए। अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और पूरा मोबाइल एकदम न्यू हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।